हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। और अगर आपने DSSB MCD के एग्ज़ाम दिए हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB MCD PRT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके पहले से ही काफ़ी विवाद होते रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती रही है एग्ज़ाम को लेके। और अभी जो रिजल्ट आया, फाइनल मेरिट आई है, उसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी चली हुई है। काफ़ी कैंडिडेट्स इस पक्ष में है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, काफ़ी इस पक्ष में है कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, काफ़ी ऐसे पक्ष में है कि री नॉर्मलाइजेशन हो, कि नॉर्मलाइजेशन दोबारा हो। तो ये सारी चीज़ें DSSB ने क्रिएट कर दी हैं। सबसे पहले इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, बाद में अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे लेवल पे नहीं हुआ, इससे अच्छा हो सकता था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका उनका अच्छा नहीं था, साइंटिफिक मेथड होगा, लेकिन फिर भी वो मेथड इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इससे ऐसे कैंडिडेट्स का भी नुकसान हुआ है जो लायक थे, जो डिजर्विंग थे, लेकिन आज वो कैंडिडेट्स अपने सिलेक्शन के लिए तरस रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स के साथ बहुत गलत हुआ है, काफ़ी बैड ट्रेड हुआ है उनके साथ जो डिजर्विंग थे। हालांकि ओवरऑल जो भी हुआ है उसके लिए काफ़ी बच्चे आगे आ रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, CM केजरीवाल जी से भी मीटिंग हुई थी। तो इसके बाद मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हो रहा है या चल रहा है वो चलने दो। इसके बाद आप सबसे पहले जो कैंडिडेट्स रह गए हैं CTET के फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप स्टडी से अलग हो जाएंगे तो शायद आने वाले एग्ज़ाम आपके लिए टफ होंगे। क्यों? क्योंकि आप स्टडी से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी का सुनने में आ रहा है कि 2019 में वैकेंसी जरूर आएंगी, लेकिन आप उनसे दूर होते चले जाओगे तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप CTET के फॉर्म अप्लाई करें। इसके बाद जिन साथियों का KVS में मेरिट में नंबर आया है, जो जो इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो वो भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। तो साथियों, जैसा आपने देखा, अभी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो स्टडी से जुड़ा रहे, और अगर आप कहीं ना कहीं स्टडी से अलग हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप स्टडी से जुड़े रहें, जिससे आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और CTET वही एग्ज़ाम होता है जो हमारे टीचिंग से जुड़ा होता है। तो CTET STET जो भी एग्ज़ाम है, आप प्रिपरेशन ज़रूर करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़े नहीं, CTET के एग्ज़ाम दें, और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं CTET के वो भी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम 1 महीने की प्रिपरेशन में उम्मीद करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के अंदर हम एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर दें, लेकिन ये गलत है। हम अपना पोटेंशियल पूरा यूज नहीं करते, जितना हम कर सकते हैं हम इतना करते नहीं हैं, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे MCD PRT, इसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो लायक थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लायक थे, जो आगे आ रहे हैं सभी लायक थे, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे लायक कैंडिडेट्स थे जिनके साथ गलत हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स उनके पीछे आएंगे जो शायद बहुत दूर थे, कंपटीशन से बहुत ज़्यादा दूर थे, लेकिन वो भी आगे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो बेनिफिट चाहते हैं। इसके बाद कल मैंने एक ऑनलाइन पोल कराया था, जिसमें क्वेश्चन था कि MCD PRT का जो एग्ज़ाम हुआ है आप क्या चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन दोबारा हो, एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो, या जो हुआ है वो सही हुआ है। तो साथियों, इसके ऊपर काफ़ी कैंडिडेट्स, जैसा कि आप समझ सकते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम दोबारा हो, और ये मेरा पक्ष नहीं था, ना मैंने कोई वोट किया वहाँ पे। ये कैंडिडेट्स की मांग थी कि क्या था, नॉर्मलाइजेशन दोबारा हो, ये भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने मांग की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोट आए वो आए कि एग्ज़ाम दोबारा हो। लेकिन उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक चीज़ें चल रही हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं।
मींस अब वोट कराना भी गलत हो गया। आप समझ सकते हैं, अगर आप एग्जाम कराने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए आगे रहें तो कुछ नहीं, अगर आप किसी के लिए वोट करा दें तो वो गलत है। तो काफी ऐसे कैंडिडेट्स थे जो उसमें कुछ गलत बोल रहे थे, और मतलब पूरी मैं बता नहीं सकता, मैंने फेसबुक पे देखा था, वो कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे पास वो भेजा था, पूरी वो चली हुई है कि इन सर को क्या है, इन्होंने मतलब वोटिंग कराई। अरे वोटिंग कराई है मैंने, मैं क्या सीएम हूं जो मैं एग्जाम कैंसिल करा दूंगा? आप मेरी पूरी वीडियो देखो पहले, किसी भी, अगर किसी भी वीडियो में मैंने मांग की है कि एग्जाम कैंसिल हो, तब आप कहना, मतलब समझ नहीं आता, लोग किसी भी चीज को, छोटी सी चीज को इतना बड़ा वो बना देते हैं। तो ये बहुत गलत चीजें हैं, और ये साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये सारी गलती डीएसएसबी की है। पहले सभी को डीएसएसबी बोर्ड बुरा लगता था, सब बोलते थे डीएसएसबी हाय हाय, जो एग्जाम हम रिजल्ट के लिए गए थे। अब वही बोर्ड सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया है, 90 से उनके 110 नंबर हो गए, उनको बिल्कुल डीएसएसबी बोर्ड अच्छा लग रहा होगा। तो साथियों आप प्रिपरेशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।